हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर एक्स ग्राफिक डिजाइनर। मैं हूं प्रखर और आज के इस ट्यूटोरियल में आप सीखने वाले हैं कि कैसे चैनल आर्ट बनाएं अपने यूट्यूब चैनल के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो एंड तक देखें, बीच में स्किप ना करें। तो चैनल आर्ट बनाने के लिए सबसे पहले आप ऐसा ग्रिड बना लें। अगर आपको नहीं पता है ग्रिड कैसे बनता है तो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, वहां से सिंपली जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम बताते हैं कि क्या करना है। सबसे पहले चलिए सेव टूल पे, वहां से जाके पहले यहां से हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं। और यहां पे आप शिफ्ट के साथ एक शेप बना लें स्क्वायर का। फिर हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा राउंड शेप देंगे। सिंपल कंट्रोल टी प्रेस करके इसको रोटेट कर लेते हैं हम। फिर हम यहां से जाएंगे पेन टूल पे, ये जो पार्ट है हमारा इसको हम डिलीट करेंगे इसको क्लिक करके। फिर से हम जाएंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे और हम इस स्ट्रिप के साथ इन दोनों पॉइंट को सिलेक्ट करके इसे ड्रैग कर लेते हैं। सिंपली मैं इसको उठा के इसके ऊपर कर देता हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा, देखिए ये सही से सेट नहीं था, इसे इसको हम ऊपर किए। अब इसको हम सेट कर लेते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर सिंपली सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये हो गया, इधर से भी हम वैसे ही कर लेते हैं इसको भी। ये हमारा पहला शेप तैयार हो चुका है। मैं इसको हल्का सा पीछे रखूंगा। चलिए हम दूसरा शेप बना लेते हैं। इसको भी मैं शेप के साथ एक स्क्वायर बना लेता हूँ। फिर मैं इसे भी राउंड कर देता हूँ, सिंपल कंट्रोल टी करके इसे रोटेट कर लेता हूँ, छोटा कर लेता हूँ इसे। ये हमारा दूसरा शेप भी तैयार हो गया है। इसको हल्का सा मैं बड़ा कर लेता हूँ और मैं यहाँ से मूव टूल से जाके इसकी कॉपी बना लेता हूँ। एल प्रेस करके मैं इसकी एक कॉपी बना लेता हूँ और इसको कंट्रोल टी करके जूम कर देता हूँ, जरा सा इसे एक्सपेंड कर लेता हूँ क्योंकि हमें ये थोड़ा सा बड़ा चाहिए, इस वजह से मैं इसे थोड़ा सा एक्सपेंड करता हूँ। फिर सिंपल शेप टूल पे जाना है, शेप टूल पे क्लिक करना है, सॉफ्टली बंद करके इसमें स्ट्रोक देना है हमें। तो मैं इसका 5 पिक्सल का स्ट्रोक दे रहा हूँ, आप जितने मन जी उतने का दे सकते हैं। ठीक है, हमारा दूसरा भी तैयार हो चुका है। मैं सिंपली इसको क्या करूंगा, हल्का से इसे अंदर रखूंगा और मैं इसका एक और कॉपी बना लेता हूँ। कंट्रोल टी करके इसका साइज में छोटा कर लेता हूँ क्योंकि हमें इसका इतना बड़ा साइज नहीं चाहिए। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल नंबर 3 जो है हमारा, उसकी फिर से कॉपी बना लेता हूँ मैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में। सिंपल कंट्रोल टी करूंगा, साइज इसका करूंगा छोटा मैं और मैं इसको फिर से इसकी एक कॉपी बना लेता हूँ। ये हमारा हो गया। अब मैं क्या करूंगा, फिर से रेक्टेंगल नंबर 3 का एक और शेप बनाता हूँ मैं और इसका एक और बना लेता हूँ। तो देखिए हमारा शेप बन गया। अब मैं क्या करूंगा, सिंपल इस पर ग्रेडियंट अप्लाई करूंगा। तो क्या करना है आपको, डबल टैप करना है, यहां से लेयर स्टाइल में जाके ग्रेडियंट को लेयर करते हैं। मैं पहले से ग्रेडियंट बना रखा हूँ, आप चाहे तो खुद का ही बना सकते हैं या फिर यहाँ पे कई सारे मिल जाएंगे, उसमें से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फटाफट मैं सारे पे ग्रेडियंट अप्लाई कर देता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, इसका ये जो हमारा रेक्टेंगल नंबर 3 था इसका पहले कॉपी बना लेता हूँ मैं। तो मैं सिंपली रेक्टेंगल नंबर 3 पे जाके इसकी कॉपी बना लेता हूँ और मैं इसमें क्या करूंगा, वही सेम सेव टूल पे क्लिक करके इसका फिल बंद करूंगा और इस पर स्ट्रोक दे देता हूँ मैं 5 पिक्सल का। तो ये हो गया हमारा। अब मैं इस पे क्या करूंगा, इस पे ग्रेडियंट अप्लाई करूंगा जैसे बाकियों पे किया हूं और मैं इसको सिंपली इस पे जाके एडजस्ट करूंगा। तो मैं आपको बात बताऊंगा मैं ऐसा क्यों किया हूं। अब मैं क्या करूंगा, सिंपली जाके यहां से मैं कुछ अपनी फोटो इंपोर्ट करने वाला हूं, उससे पहले मैं एक और शेप बना लेता हूं। तो मैं यहां से एक शेप बना लेता हूं, इसका फील बंद स्ट्रोक बंद कर देता हूं मैं क्योंकि हमें इसमें फील देना है। तो मैं इसको हल्का सा राउंड शेप देता हूँ, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जाके इन दोनों को सेलेक्ट करके थोड़ा सा इधर बढ़ा लेते हैं और सेम भी इधर सेलेक्ट करके इधर बढ़ा लेते हैं। तो ये अपना हो गया। अब मैं एक सिंपल सा टेक्स्ट लिख रहा हूँ अपने चैनल का नाम, तो मैं यहाँ सिंपल अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ। आप अपने चैनल का नाम लिख लीजिएगा, ये
मैं अपने चैनल का नाम लिख दिया, अब मैं इसका जो पीछे का शेप है इसको मैं एडजस्ट करूंगा इसके हिसाब से, कंट्रोल टी। मैं क्या करूंगा इन दोनों को कंट्रोल टी करके इसे रोटेट कर देता हूं। ये अपने चैनल का नाम हो गया। मैं इसमें सिंपल क्या करूंगा, ये जो अपना रेक्टेंगल बना रखा हूं मैं इस पे भी ग्रेडियंट अप्लाई कर देता हूं सिंपली वहीं से जाके। ये हो गया, मैं एक और शेप टूल बना लेता हूं फटाक से। इसे भी मैं इसको रखूंगा व्हाइट कलर का क्योंकि इसको हमें चेंज नहीं करना। इसको मैं थोड़ा सा राउंड शेप देता हूं, टेक्स्ट लिख लेता हूं कमेंट करके बताइए कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगा उस टॉपिक पे वीडियो लाने की। ये हो गया मेरा टेस्ट कंप्लीट। मैं इसको क्या करूंगा छोटा कर लेता हूँ क्योंकि इतना बड़ा, मैं इसे 6 कर शिफ्ट देता हूँ और इसे मैं शिफ्ट के अंदर रखूंगा। तो मैं क्या करता हूँ एक काम करता हूँ, पहले तो ये सेव को जरा सा बढ़ा लेता हूँ क्योंकि कुछ ज्यादा ही छोटा हो गया। अब मैं इसको भी सेट कर देता हूँ जो मैंने टेक्स्ट लिख रखा है। सिंपली टेक्स्ट पे जाके मैं इसके बीच के गैप को कम कर दूंगा यहाँ से ताकि ये फिट हो पाए। साइज अभी भी बड़ी लग रही है तो मैं इसको 6 कर देता हूँ और गैप को बढ़ा देता हूँ। देखिए सिंपली मैं इसका गैप बढ़ा दिया और इसकी साइज छोटी कर दिया। अब मैं क्या करूंगा इन दोनों को सेलेक्ट करके सेम वही कंट्रोल टी करके इसे भी रोटेट कर लेता हूँ। तो ये अपना कंप्लीट हो गया। अब मैं क्या करूंगा सिंपल कुछ फोटोज मैंने रखे हुए हैं इसको मैं सिंपली इंपोर्ट करूंगा यहाँ से, लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग कीजिए और यहाँ पे लाके ड्रॉप कर देना है। ये फोटोज आ गए मेरे, मैं इसको सिंपल तरीके से कंट्रोल टी करके एक्सपेंड कर लेता हूँ थोड़ा सा। मैं इसको इस लेयर को सबसे नीचे लेके चला जाता हूँ। इस लेयर को सबसे नीचे लेके चला गया, इसको ओपेसिटी जो है उसको कम कर देता हूँ। एक और इमेज है मैं मेरी वो भी डाल देता हूँ इसके अंदर ड्रैग करके यहाँ से सीधा सिंपली ड्रॉप। उसके बाद मैं क्या करूंगा ये जो है मैं इसको रेक्टेंगल नंबर 3 के ऊपर रख रहा हूँ, जस्ट राइट क्लिक करके क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर दूंगा। ये देख सकते हैं आप इसके अंदर चला गया, इसी वजह से मैं इसका कलर ने चेंज किया था। अब सिंपली इस शेप के अंदर मेरा फोटो जा चुका है। मैं क्या करूंगा इस पर राइट क्लिक करके फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ थोड़ा सा इस साइड से उठे। ये हमारा कुछ हद तक बन चुका है। मैं क्या करूंगा यहाँ पे खाली दिख रहा है ये पार्ट, तो मैं यहाँ पे सिंपली एक सिग्नेचर फॉन्ट है उसको यहाँ पे यूज करूंगा। तो मैं यहाँ सिंपल लिख लेता हूँ मिस्टर एक्स और इस लेयर को मैं इसके ऊपर रख देता हूँ। इसका साइज मैं बढ़ा दूंगा और इसमें गैप कम कर दूंगा क्योंकि सिग्नेचर में गैप रखते नहीं। सिंपली इसे भी रोटेट कर देता हूँ हल्का सा और मूव टूल से इसको यहाँ पे सेट कर देता हूँ। एक सिंपल टेक्स्ट और लिखूंगा मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी। अगर अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रखा है तो जाकर सिंपली फॉलो कर ले, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ जाके फॉलो कर सकते हैं। आपको वहाँ पे भी इंटरेस्टिंग वीडियोज मिलती रहती हैं ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड, रील्स पढ़ते हैं तब जाके चेकआउट कर सकते हैं। मैं सिंपली इसको साइज छोटा करूंगा और मैंने इसका फॉन्ट भी छोटा कर रखा और गैप हल्का सा बढ़ा रहा हूँ। मूव टूल से मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ। ये हो गया। अब मैं क्या करूंगा ये जो अपना रेक्टेंगल नंबर 1 है इसको बंद कर देता हूँ।
ये देख सकते हैं आप ये कितने आसान तरीके से ये चैनल आर्ट बन गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको लगता है मुझे कुछ सुधार करना चाहिए तो वो भी बताएं कमेंट बॉक्स में। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें अगली वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत पाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।